आज पूरा देश बना रहा है। संभवतः वल्लभ भाई पटेल न होते तो आज भारत की जो तस्वीर है शायद ऐसी नहीं होती। जैसा कि नीति ने बताया कि कश्मीर के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया, उन्होंने 525 प्रांतों को भारत में विलय किया था और गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे। पहले ऐसा माना जाता है कि ये विदेशी राजस्थान में ज्यादा विश्वास करते थे, लेकिन गांधी जी के संपर्क में आने पर उनके अनन्य भक्त हो गए और गांधी जी के साथ रह करके उनके विचारों का बहुत ही बड़ा उनको योगदान दिया और उसके अनुयायी बने। अभी पिछले वर्ष गुजरात में सरदार वल्लभ भाई की गृहजी आपने देखा उनकी जो प्रतिमा वहां पर लगी है, गरीबों दलितों के लिए बड़े सहयोगी दृष्टि के थे। इस प्रकार से उनका जो जीवन है अटल बिहारी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वह हम सबके लिए अनुकरण योग्य है। आप सभी सरकार ने आज 31 पूरी तरह से केंद्र शासित राज्य का एक तबका दिया जाएगा और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी या गृह मंत्रालय का निर्णय है, सभी जो है विभागों में सरदार वल्लभ भाई की फोटो लगाया जाए और आज से पूरी तरह से भारत का संविधान वहां पर लागू हो जाएगा। सारी प्रक्रिया सरकार बहुत तेजी से वहां काम कर रही है और वहां की जो व्यवस्था है उसको देख करके विदेशी भी आश्चर्यचकित हैं कि यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का अनुशासन निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। पाकिस्तान बार बार कश्मीर के विरोध में वहाँ की जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ जो है सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है, गलत प्रचार कर रहा है। अभी संयुक्त राष्ट्र के कुछ अधिकारी वहाँ पर आए थे, उन्होंने खुल करके भारत की सोच की या 370 धारा खत्म करके वहाँ पर केंद्र शासित शासन लागू किया गया और वहाँ की व्यवस्था जो अच्छी से अच्छी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पूरे देश से इसकी तारीफ की है और संयुक्त राष्ट्र के सांसदों ने भी कहा है कि हम जहाँ भी जाएंगे, जिस भी देश में जाएंगे, भारत की कश्मीर के लिए किए गए प्रयास की पूरी सराहना करेंगे।